தசுகரே சாஸ்திரம் சிவமணி குரு ரவிதாசி கே தசுமே நமக் கர்தாம் பிரணாம் கர்தாம் ஔர் யஹாம் சரீர் வம்சன் जो हमारे इस आश्रम में बना रहे हैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी माताएं बहने इधर हमारे तमाम साथी हिंदूगण खड़े हैं साथियों और साधु संत जो भी हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं गुरुजी जो हमारे ज्ञानदास जी हैं उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतना सुंदर आश्रम यहाँ पे इन्होंने बनाया है। और मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ, ये मेरी बदनसीबी है, और मैं अभी बाबा तक आया हूँ उनका चरण छूकर ज्ञानदास जी का, कि जब भी आप बुलाओगे मैं यहाँ पे आऊँगा, चाहे फोन से खबर भेज देना या किसी के हाथ खबर भेज देना, मैं हर प्रोग्राम में आपके शामिल रहूँगा। और गुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ सुनीता वर्मा जो मेरी पत्नी है, मेरठ की महापौर, आपके आशीर्वाद से बनी है। और ये मेरठ की महापौर का मतलब है मेरठ की प्रथम नागरिक, ये आपके समाज से हैं, आपके हैं, आपके परिवार से हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान मेरठ की जनता ने हमें दिया है, इसके लिए मैं तमाम लोगों का, क्योंकि दुआएं तो आपने भी दी है। मेरे साथ यहाँ पर जो चल के आए हैं, यहाँ रविंदर पार्षद जी हैं, धर्मवीर पार्षद जी हैं, पवन चौधरी पार्षद, सुमित पार्षद जी और भोपाल चांदना जो पार्षद नगर निगम में हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं। गोलू भाई हमारे साथ आए हैं, तमाम मेरे साथ का स्टाफ आया है। और सुमित गोद जी, सुमित भाई ने बोला, सुमित गोद जी, छोटा भाई राजन प्रमुख भी, पूर्व प्रमुख प्रदीप, हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए हैं। तो यहाँ आके बड़ा ही खुशी मिली कि इतना सुंदर आश्रम, और हम दूरी बनाए हुए थे इसी वजह से कि हम यहाँ पे आ नहीं पाए, लेकिन मैं माफी चाहते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हर प्रोग्राम में यहाँ शामिल होगा, कोई मुझे बुलावे या ना बुलावे मैं यहाँ आऊँगा। दूसरी बात यह है कि 2 अप्रैल को जो घटना हुई थी, 2 अप्रैल की जो हमारा आंदोलन था, उस आंदोलन में इन भाजपा वालों ने मुझे जेल भेज दिया था, और 6 महीने में जेल काट के अभी आया 15-20 दिन में, 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले मैं जेल से आया, 6 महीने में जेल में रहा, मेरे पे रासुका लगा दी, 14 मुकदमे लगा दिए, लेकिन आप लोगों का सबका आशीर्वाद मेरे साथ था और मैं फिर आपके बीच में आया हूँ। दोस्तों, हर तरीके से मैं आप लोगों की सेवा करूँगा, हमारा पूरा परिवार समाज के लिए है, पार्टी के लिए है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों पर हम काम करते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए आप तमाम लोगों का साथ चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारे लोगों के ऊपर जुल्म किया है, कि अब परिवर्तन आने वाला, राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजारों बार हम जाली के सहके मुस्कुराते हैं, हमारे होश में तूफान की हस्ती निकालते हैं, कठिन ना हो देख लो पढ़ लो ये तारीख बोलेगी, हमारे जिस से टकरा के खंडर टूट जाते हैं। लोगों ने अत्याचार और जुल्म बहुत किए, लेकिन हम गुरु जी के आशीर्वाद से डट के मुकाबला हमने किया है, और डट के मुकाबला हम करेंगे। ज्यादा बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ज्ञानदास जी के लिए कहना चाहता हूँ, साधु संतों के लिए, कि वो दिल्ली का जो आपके मिलन की दुआ ना करे और आपको भूल कर जिंदा रहा खुदा ना करे, ये ठीक है, नहीं मरता कोई जुदाई में, मगर गुरु रविदास जी मुझे कभी आपसे जुदा ना करें।